हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप? आशा करते भी आप सब भी ठीक होगे। अरे हम आ गए थे घूम के, कई दिन घूमे लगातार, कई दिन वीडियो भी आई हैं, बीच में एक दो दिन मिस भी होगी थी भाई, क्योंकि तो फोन में दिक्कत हो गई थी। और अब तैयार हो रहे हैं, दादा को देख जाऊंगे आज, क्योंकि जेठ लाग रहा है, सब ना पता ही है। और जेठ कही आज है दोज, तो दोज पे हमारा दादा बुढ़े का टीकड़ा चढ़ा करे। और टीकड़ा हमने वैसे तो बना लिया था, लेकिन सुबह टाइम नहीं लग पाया, तो शाम को अब चढ़ा खाऊंगे भी। अभी बना लिया है, अभी जाएंगे दादा बूढ़े का टिकड़ा चढ़ाने। सुबह हम कहीं चले गए थे, नहीं तो सुबह के टाइम चढ़ा पाया अगर हमें टिकड़ा, सुबह ना चढ़ पाओ तो शाम में चढ़ा लेंगे। सारे तैयार हो रहे हैं, आज सबकी छुट्टी भी है, घर पे ही है, पापा भी रेडी हो गए, सब तैयार हो रहे हैं। दक्ष बार जा रहा है, चलो फटाफट। ये देखो, ये पैक कर लिया है, या टोकरी लेकर आई थी मैं, क्योंकि जब तेरा है भाई मंदिर वंदिर हमें कितना ना कितना है, तो थैली वगैरह हमें डाल के ले जाना पड़ेगा। अगर था प्लास्टिक के डिब्बे हमें इसमें सेपरेट से रहोंगे, ये इतनी इतनी वाली डिब्बी लेकर आई थी, इसमें सारी चीज़ होती है, जोत भी है इसमें, सिंदूर भी है, मिश्री वगैरह सारी चीज़ इसमें, धूप वगैरह माचिस। अरे इसमें हमारा टिकड़ा है जो हमने बना रखा है, और या डोली पानी की, और इसमें गेहूँ लेकर जाया रहा भाई, वहाँ पक्षियाँ ने डालता है। अगर टोकरी का कलर भी बिल्कुल अलग सा है, लाल पीली लीली नीली, ये लेकर आई थी मैं नजरगढ़ से, नजरगढ़ गई थी। चलो भाई चलो फटाफट, लेट हो जाएंगे। गड़ोई पे अब सीधा मंदिर में जाऊंगी। पापा और दक्ष आगे चले गए, हम पानी भरने चले गए थे इसलिए लेट हो गए थोड़े। राम राम लक्ष्मी। हाँ जी आ जी आ जा, हम दो काम करेंगे। छोटे बच्चे आ नहीं है कोई अंदर कुआ पूजने के लिए आ रहे हैं। कुआ पूजने ही पड़ा अगर अपने दादा बुड्ढे पे कुआ पूजिया अगर हम जिन जिन की मानता है पूजन आए थे। हाँ हम सब किए दादा बुड्ढे का। अब करेंगे परिक्रमा। टिकड़ा वगैरह सारी चीज चढ़ा दिए, और पानी थोड़ा थोड़ा चढ़ाना होता है पैरों में, ताकि ज्यादा गीला ना हो वहाँ पे जोत वगैरह में। यहाँ पर डालते हैं गेहूँ पक्षियों के लिए, दक्ष डाल होगा जब तक हम आगे चले जाते हैं। इधर ये देखो, यहाँ पर छाटेंगे, और ने भी छाट रखे यहाँ पर भी टिकड़े का प्रसाद चढ़ाना होगा करें, और सबके नाम की थोड़ी थोड़ी माटी इस जगह पर करके फेर होया करें। अब ये प्रसाद चढ़ा दिया और माटी छट गई। इधर आ जा भाई, माता पे भी चढ़ाऊंगी टिकड़ा। ये पकड़ा टिकड़ा छड़ेगा, छड़ेगा कई जगह छड़े हैं, तो माता और वे कई है ना। ये बालाजी को भी जोत लगाई और टिकड़ा दोनों चीज हुई। शिव जी के मंदिर में भी जोत लगाऊंगे और टिकड़ा यहाँ पर भी चढ़ेगा।
कदे कदे आना चाहिए कि छुट्टी वाले दिन घूमो असल में छुट्टी वाले दिन हमें चले जहां कि तना कि ठीक है जी आ करेंगे जी आपने बोलया हां फिर ई ब्राउन लगा रहे हैं सारे टिकड़ा वगैरह चढ़ा दिया और मौसम भी ठंडा हो रहा है गर्मी की छुट्टी हो गई बादाम खाओ ठंडे हो जाओ अच्छे ठीक है। कल वही शाम को दादा बुढ़े पे जाने के बाद लोग नहीं बना पाई थी मैं तो काम का लग गई थी और तो दिमाग से उतर गई बस और वहीं से कंटिन्यू अब स्टार्ट कर रही हूँ बस ये अगले दिन का है और आज बना रही हूँ मैं मटर पनीर। मटर बेचने वाले आया रहे था तो कई दिन हो गए थे सब्जी और खाते खाते तो मटर ली थी थोड़ा दसका बन गया तो मटर ली थी बेचने वाले से सब्जी वाले से और आज मलाई तो है नहीं और प्याज हमने कर रखे हैं कई दिन से बंद और घर में भी नहीं है प्याज और वैसे मैंने बंद भी कर रखे हमने सब ने खाने के लिए तो इसलिए प्याज नहीं डालूंगी बस छोंक लगाया है जीरे का और हींग का और टमाटर पीस का डाल दिए इसमें मसाला डाल दिया है नमक मिर्च हल्दी बस सिंपल सा और ये पनीर काट दिया टुकड़े काट रखे हैं ये आपको ऐसे ही खट्टा दिखाई दे रहा होगा अभी इन्हें अलग अलग निकल गए ये देखो अलग अलग काट रखे हैं ये टुकड़े बना दिए मैंने और ये मंगाया था पनीर और मटर यहाँ देखो उबलने के लिए रख रखी है उबल गई हल्की सी भाप लगा दी है फिर जल्दी हो जाएगी बनने में आसानी हो जाएगी छील के मैंने पहले रख रखी और फटाफट बना दूंगी क्योंकि इसके पापा की ना थोड़ी जल्दी भेजनी पड़ेगी मेरी रोटी पूरा खाना क्योंकि सुबह बनाए थे नमकीन पुलाव मटर थी इसीलिए मटर वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना इसीलिए सुबह नमकीन चावल बना लिए थे बच्चों के टिफिन में भी हुए लिए प्याज और चावल तो फिर वो है हड़के होते हैं तो भूख जल्दी लग जाती है इसीलिए मकान थोड़ा जल्दी बना दूंगी मैं। दक्ष हो गया था और दक्ष ने ऐसा करा फ्रीज में रखे थे टमाटर और शाम को उसने पता नहीं कब मैं खा लिए भाई सुबह जब मैंने देखा ना चावल बनाते टाइम तो बस एक ही टमाटर था एक बिल्कुल छोटा सा था एक थोड़ा ठीक था तो वो ही डाल के फिर बना दिए थे इसीलिए सुबह नहीं बनाई थी सब्जी और कुछ रहा खाया। कल मौसम शाम को बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था तो लाइट चली गई थी हमारी दोपहर में और रात को ना बहुत लेट आई थी तो आटा नहीं रह रहा था पीसना पीसा होया वैसे गेहूँ तो साफ कर रखे थे लेकिन आटा पीसना रह रहा था तो आटा भी ख़त्म हो रहा था सुबह इसीलिए नमकीन चावल बना लिए हमने सुबह दो दो काम हो गए मटर भी यूज होगी उसमें और कुछ मैंने रख ली थी फिर मटर पनीर बनाने के लिए फिर अभी कनक आई है ना ट्यूशन से सामने दुकान से जब जरूरत होती है ना जब भाई कोई भी नहीं आता बेचने वाला वैसे सुबह आ जाते हैं सब्जी वाले बेचने वाले कई सारे आते हैं दिन में आज एक भी नहीं आया आज मैं सुबह से ध्यान कर रही थी कि टमाटर लेने हैं कोई आएगा तो लेंगे लेकिन अभी मैंने दुकान से मंगवाए आज एक भी नहीं आया यहाँ पे। रेसिपी तो भाई मैंने आपको पहले भी शेयर कर रखी है बनाने की सिंपल साधारण सी बनाते ज़्यादा मसालेदार ऐसा कुछ नहीं और अब उसमें से पानी निकाल दूंगी और आज मलाई है नहीं ताजी और बासी में डालूंगी नहीं बासी में ना भाई अजीब सी महक हो जाए वो वाली मेरे को पसंद नहीं आती है मेरे को थोड़ी महक ज़्यादा आती है इसीलिए तो मैं बिना मलाई की ऐसे ही बनाऊँगी मलाई डाल देना तो थोड़ी सी मतलब गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगा तो अच्छी लग रही है लेकिन वैसे भी सही लगा क्योंकि इसलिए बनाना आज टमाटर पीस लिए थे और चावल आज मैंने थोड़े बनाए थे बस लगभग ख़त्म हो गए हैं और ये नारी मिर्च ना देखो कितनी मोटी मोटी वाली डाल दी थी जो अगर टमाटर प्याज जब मैं छोंक कर नहीं बनाया करें वो वाली मिर्च है ये ज़्यादा तीखी नहीं होती और मोटी मोटी इतनी है वैसे मैं हरी मिर्च आज डालूंगी नहीं सब्जी में क्योंकि मैं थोड़ा सा कलर सा होगा ना सब्जी में जब अच्छी लग गई है इसलिए मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी सब्जी में
ये थोड़ा सा तेल रखा था भाई, गुलगुले उतारे थे ना कल, उसका बच्चा होया था। अरे देखो पूरी उतार दी फिर मैंने, क्योंकि बच्चे खुश होगा कहाँ है और पूरी बस मारे इसके पापा खा तो ले हैं, लेकिन कम ना खुश हो खाया करें, लेकिन मैंने पूरी बना दी, क्योंकि अगर जो सही ना लग गया तो फिर ड्यूटी बताए पीछे खा ले रोटी और खा लेंगे वैसे भी गर्म गर्म, तो यूँ ही गर्म गर्म पहुँचानी है, ठंडी तो होंगी नहीं, इसलिए मैंने पूरी बना दी आज। और सब्जी मेरी तैयार हो गई है, बस एक बार मैं ये पूरी निकाल दी फिर आपने दिखाऊँ। देखो एक नंबर की पूरी उतरन लग रही है, अरे ये देखो सब देखो, जैसी बिना मलाई की बनाई है ना वैसी बढ़िया बन गई थी, बिल्कुल सिंपल, जो जैसे हम अपनी और सब्जी बनाओ ना वो ये तरीके से बनाई है, बस इसमें नहीं हुआ थोड़े से टमाटर ज़्यादा डाले पीस के, और सब्जियां हम नॉर्मल डाल लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दिया रो, चैनल पे जो नए आते हैं सब्सक्राइब कर दिया रो, शेयर भी कर दिया रो, कमेंट्स भी कर दिया रो भाई, कहा अपनी राय भी दे दिया रो।